चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले, और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए और खासकर से के मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कितना भी कुछ कर लें, अब जनता को इनसे कोई उम्मीद नहीं है, और जब उम्मीद खत्म हो जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो समझ लेना उनका सफाया होना निश्चित है। ये जो हारे हैं, इतना बुरा हारे हैं, जनता इससे भी बुरा इन्हें हराएगी, तभी इनका इलाज हो सकता है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक दिल दहला देने वाली घटना होती है। इस घटना के बाद से लगातार समाजवादी पार्टी सवालों के घेरे में रहती है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार भी मुखरता से कार्रवाई करते हुए देखी जा रही है। लेकिन मामला पूरा का पूरा ये होता है कि 12 वर्ष की लड़की जिसका दुष्कर्म कई महीनों से समाजवादी पार्टी के एक नेता द्वारा किया जा रहा था, यह आरोप सीधे तौर पर मोइन खान पर लगाया गया है जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है। अब होता क्या है, योगी आदित्यनाथ की सरकार मोइन खान के बेकरी पर, उसके प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चलाने पहुंच जाती है, लेकिन अखिलेश यादव भी डीएनए टेस्ट की मांग कर देते हैं। डीएनए टेस्ट इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव खुले तौर पर कहते हैं कि जो भी कह सकते हैं कि कार्रवाई हो, न्यायिक प्रक्रिया के तहत हो, और जिस तरीके से कहीं ना कहीं आरोप लगाया गया है इसका डीएनए टेस्ट हो, अगर आरोप तय हो जाते हैं तो फिर उचित कार्रवाई की जाए। लेकिन इसके बाद से होना क्या था, अखिलेश यादव के खिलाफ तमाम तरह के बयान सामने आने लगे कि आखिर अखिलेश यादव जो है कह सकते हैं आरोपी को बचाने का काम क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव ने चुप्पी तोड़ दिया इस पूरे के पूरे मामले पर। अखिलेश यादव भरे मीडिया से इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए क्या कुछ कहते हैं सुनिए जरा। तीसरा और अयोध्या का, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है, ये कानून किसका संशोधित है, ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा। और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई, वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें, हम टेंशन में आ जाएं कि हम भी सर मार दें किसी आदमी के सर पे। आपने देखा नहीं बनारस में क्यूटो में क्या हुआ, अधिकारी पे इतना प्रेशर कि वो आकर के सर मार दिया उसके व्यापारी के। सोचिए आप, इसमें तमाम ऐसे लोग हैं, आप अकेले में बात करना कितने प्रेशर में जीवन जी रहे हैं। ये जो भार है इनके पास, मेडल बेल और ये तमाम लेनियार्ड और नेम प्लेट और तमाम उसका, उसके अलावा ऐसा भार है इनके ऊपर, ये काम नहीं कर सकते, न्याय नहीं दे सकते, और उसका परिणाम ये हुआ कि भेदभाव कर रहे हैं। और ये भेदभाव इसलिए कर रहे हैं कि इनको हर जगह राजनीति दिखाई दे रही है, वोट दिखाई दे रहा है। ये कितना भी कुछ कर लें, अब जनता को इनसे कोई उम्मीद नहीं है, और जब उम्मीद खत्म हो जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो समझ लेना उनका सफाया होना निश्चित है। ये जो हारे हैं, इतना बुरा हारे हैं, जनता इससे भी बुरा इन्हें हराएगी, तभी इनका इलाज हो सकता है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले, और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए और खासकर से के मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सोचिए, एक मुख्यमंत्री योगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई योगी अगर वो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करता है और कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं करता, वो योगी नहीं हो सकता है। मैं 3 घटनाओं का उदाहरण देना चाहता हूं आपके सामने जी। पहली घटना हाथरस, जिसमें एक साधु संत के कार्यक्रम के लिए परमिशन के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेताओं ने लिखा था, लेकिन जो प्रशासन को काम करना चाहिए था, जिस जिम्मेदारी से सुरक्षा और उन चीजों का इंतजाम करना था वो नहीं किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। न केवल जान गई है, उनका नुकसान हुआ बड़े पैमाने पर, बहुत से लोगों का
हाथ पैर या जो भी नुकसान हुआ उसके कोई मदद सरकार ने नहीं की। दूसरा आपने देखा होगा गोमती नगर में जो भी बना हमको दे देना, और जो मुख्यमंत्री ने सदन में ये कहा, सूची तो हालांकि बहुत लंबी थी, इसमें पुलिस का दोष कम है, पुलिस तो पूरी सूची दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री और सरकार वो ये चाहती है कि पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन जाए। ये जो नए तरह का काम हो रहा है कि पुलिस को भी ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना रहे हैं। जब पुलिस ने सूची दी सब नामों की, तो आखिरकार मुख्यमंत्री जी ने केवल यादव और मुस्लिम का नाम क्यों पढ़ा? और सच्चाई पुलिस भी जानती है कि जिसमें कि यादव का जिसका नाम लिया है, सुनने में आ रहा है कि वो फुटिंग में नहीं था, जो कैमरे की जो तस्वीर है उसमें नहीं है, वो कैमरे में नहीं था, क्योंकि वो चाय पीने गया था और पुलिस को यादव मिल गया इसलिए उसको जेल भेज दिया। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ऐसे लोग जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं, जब कभी भी सरकार आएगी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है काम बिगाड़ना। अगर कोई भी हो, उनके परिवार के लोग या उनके अनुयायी या आसपास के लोग उन्हें सम्मान देना चाहते हैं, उनकी प्रतिमा लगाना चाहते हैं, तो सरकार को कहां से ये कानून याद आ जाते हैं और जानबूझ करके इस तरह का व्यवहार करते हैं, डराने का काम करते हैं। ये डरा करके, बुलडोजर दिखा करके या पुलिस को अपना कार्यकर्ता बना करके, उससे कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जनता ने जो अभी सबक सिखाया इनको, जनता तैयार है, आने वाले समय में इनको और सबक सिखाने जा रहा है। गैर बराबरी के खिलाफ और जाति भेदभाव के खिलाफ उन्होंने एकजुट करने का काम किया, बल्कि उसे बढ़ाने का काम और हम नई पीढ़ी के लोगों तक देने का थोड़ा भाई हाथ नीचे कर लो यार, मोबाइल नीचे कर लो भाई। का जीवन भर संघर्ष रहा और जब कभी भी वो सरकार में ऊंचाई पर पहुंच के घूम रहा है, उन्होंने अपने जीवन का सादा जीवन और अपना व्यवहारिक जीवन जो सब लोगों को जोड़ के रखते थे कभी नहीं दूर किया। और हमें याद है कि 5 अगस्त के दिन उनका घर दिल्ली में था, प्रेम लगा हम लोग के बाहर उन्होंने लोहिया के लोगों का लेकर के एक तख्ती लगाई हुई थी, और उस दिन पूरे प्रदेश और देश के लोग उनके घर जाकर के उन्हें बधाई और मुलाकात करते थे। वो ऐसा संगम होता था जहाँ पर साहित्यकार, कवि, इंटेलेक्चुअल या समाज के हर वर्ग के लोग आकर के वहाँ मिलते थे, और समाजवादी नेता जनेश्वर भैंस जी के उनके काम और उन्होंने जिस तरीके से हर वर्ग के लोगों को जोड़ के रखा, और उसी का परिणाम यह है कि आज भी समाजवादी आंदोलन जीवित है। इसको आगे बढ़ाना आज सबसे बड़ा, जब हम लोग जयेश्वर मिश्र को याद कर रहे हैं, समाजवादी आंदोलन को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो सुना आपने किस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर 7 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसका डीएनए टेस्ट आवश्यक है, ताकि उसका आरोप जो है उसकी ऊपर जो लगाए गए हैं उसको सुनिश्चित किया जा सके। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस मांग को दोबारा दोहराते हुए भी नजर आए। बता दें कि जैसे ही अखिलेश यादव ने यह टिप्पणी की, उसके बाद से मायावती जो है खुले तौर पर अखिलेश यादव से पूछती हैं कि आपकी सरकार में कितने लोगों के डीएनए टेस्ट हो करके कार्रवाई हुई। तो कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे मामले पर सियासत जो है वो पूरी तरीके से गर्मा गई है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार इस बात को कहती हुई नजर आ रही कि हम कहीं ना कहीं ऐसे तमाम तरह के आरोपियों को छोड़ेंगे नहीं जो किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो वहीं अखिलेश यादव का पक्ष है कि कहीं ना कहीं मनमाने तरीके से आरोप ना लगाया जाए, डीएनए टेस्ट करवा करके उचित कार्रवाई की जाए और जो भी कार्रवाई हो न्यायिक प्रक्रिया के तहत हो। और उन्होंने कहीं ना कहीं बुलडोजर एक्शन का पर भी सवाल उठा दिए। बहरहाल देखा जाए तो इस पूरे के पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच हड़कंप मच गया है, दोनों ही लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। और इसलिए भी ये मुद्दा गरमाया है क्योंकि उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट जो कि फैजाबाद के अंतर्गत है, अयोध्या के अंतर्गत आती है, वहां पर चुनाव होना है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं सियासत जो है वो जोर पर है। बहरहाल देखा जाए तो
अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ खुले तौर पर जो अधिकारी हैं उन पर इतना प्रेशर डालते हैं, इतना प्रेशर डालते हैं कि मजबूरी में वो एक्शन ले लेते हैं। और अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि यादव और मुस्लिम जो लोग हैं इनको जबरदस्ती टारगेट किया जा रहा है, इनके खिलाफ जबरदस्ती जो मुकदमे हैं वो चलाए जा रहे हैं, इनको फंसाया जा रहा है। अब इस पूरे के पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।